Assalamu alaikum, viewers. I am Mr. Saidullah Khan in front of you. Today, our lecture PP 7, preposition 7. Okay, prepositions of since and for we will learn here today as prepositions of time. Since or for ka jo use hai, aaj inshallah hum use as a prepositions of time mein seekhne ki koshish karenge. Okay, prepositions. When do we use since and When do we use for? Since कब इस्तेमाल करते हैं और for कब? कुछ यानी लोग हैं वो ये समझते हैं कि since सिर्फ और सिर्फ present perfect continuous, past perfect continuous या फिर future perfect continuous tense में लगता है और बाकी में नहीं लगता. नहीं भाई, present perfect continuous tense हो, future perfect continuous tense हो और या past perfect continuous tense हो, कोई भी हो, लेकिन इसमें इसके अलावा ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट. ये छह जो है परफेक्ट टेंस ब्रांचेस ऑफ टेंसेस, इनमें इस्तेमाल किया जाए. आज हम सीखेंगे सिंस और फॉर एज अ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. देखिए सिंस कब इस्तेमाल करते हैं और प्रेपोजिशंस कब. लुक एट हियर. देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टार्टिंग टाइम इज starting starting of time, yeah, starting time, starting time, starting time, किसी भी काम का शुरू का वक्त. ठीक है, और इसमें फॉर में क्या होता है, फॉर में हम सीखते हैं ड्यूरेशन, DURATION, ड्यूरेशन. When we talk about the duration, जब हम duration की बात करते हैं तो उस वक्त हम for लगाते हैं, और जब हम starting time की बात करते हैं या हम इसको भी लिख सकते हैं कि starting of time, starting of time, time, यूं भी लिख सकते हैं. Starting time और इसमें जब सिर्फ beginning पता हो, ending ना पता हो, तो हम since इस्तेमाल करते हैं और फोर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं. ड्यूरेशन में मुकम्मल टाइम दिया जाता है कब से कब तक, उसे हम ड्यूरेशन कहते हैं. देखते हैं सेंस कब इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, स्टार्टिंग ऑफ टाइम. जैसे सपोज मैंने लिखा SINCE सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock, since 9 o'clock. अब इसका क्या मतलब है, 9 बजे से. अब 9 बजे beginning time, starting time है. अब हमें पता चल गया कि भाई 9 बजे से. अब 9 बजे से कब तक. सपोज मैं कहता हूं कि it has been raining since 9 o'clock, 9 बजे से बारिश हो रही है. अब 9 बजे से कब तक हो रही है ये नहीं पता, ड्यूरेशन नहीं दिया जा रहा, इसलिए सिर्फ स्टार्टिंग टाइम है, बिगनिंग टाइम है, हमें एंडिंग टाइम का नहीं पता, तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस. इसी तरह देखते हैं, अगर हमने लिखा सिंस सिंस मॉर्निंग, अब देखिए सिंस मॉर्निंग सुबह से. अब सुबह से कब तक नहीं पता, इसलिए सिंस मॉर्निंग स्टार्टिंग टाइम. इसी तरह SINCE सिंस नून एन डबल ओ एन नून सिंस नून. ओके, अब नून दोपहर, दोपहर कब से नहीं पता, देखिए दोपहर से काम शुरू हो, कब तक ये नहीं पता. इसी तरह SINCE सिंस मिडनाइट, मिड एन आई जी एच टी मिडनाइट, सिंस मिडनाइट यानी मींस आप कहेंगे सर आपने मिडनाइट से पहले एट लगवाया था, बेटा वो उस वक्त एक पॉइंट ऑफ टाइम था, अभी तो ये बिगनिंग ऑफ टाइम बता रहा है ना, मिडनाइट से, मिडनाइट को नहीं, मिडनाइट से. तो यहाँ क्या जाएगा, मिडनाइट रात, आधी रात से, कब तक रहा नहीं पता. इसी तरह देखिए अगर हम कहते हैं SINCE सिंस मिडनाइट, सिंस सनसेट SUN सन SED सूरज ग्रूब होने से, सिर्फ बिगनिंग है नहीं पता कब तक. इसी तरह SINCE सिंस DUSK डस्क, सिंस डस्क
शाम से, लेकिन इसी तरह एस आई एन सी सिंस डॉन डी ए डब्ल्यू एंड डॉन, अभी हम फोर को बाद में करेंगे, अभी सिंस वाले में चल रहे हैं, ठीक है ना। ओके नाउ इसी तरह एस आई एन सी सिंस नून सिंस आफ्टरनून भाई दोपहर से, अब दोपहर से ये होता है आपका, यानी ये आफ्टरनून यानी नून के बाद से, अब कब तक नहीं पता। इसी तरह आप कहते हैं सिंस 1990 से, ठीक है नहीं पता भाई। ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, he has been working in this company since 1990. अब 1980 से इस कंपनी में काम कर रहा है, तो भाई since 1990 ये बिगनिंग टाइम है, ये टाइम है, बिगनिंग टाइम है। ओके इसी तरह अगर कहा जाए एस आई एन सी सिंस इज डेथ डी ई ए टी एच डेथ भाई उसकी डेथ से, अब डेथ जो है ये एक इवेंट है, ठीक है। एक्चुअली डेथ भी एक टाइम है, उसकी मौत से उस वक्त तक। अब देखिए टाइम है क्या, ठीक है, टाइम को समझने की कोशिश की, टाइम की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। टाइम एक्चुअली एक इवेंट, कोई वाकया वो है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई बात। अब जैसे देखिए ना इसमें जो बताया गया सिंस इज डेथ, तो एक टाइम है ना, अब कब से, सिर्फ बिगनिंग टाइम है, एंडिंग तक तो नहीं बताया। तो इसी तरह अगर मैं ये लिखता हूं कि जनाब एस आई एन सी सिंस एम ओ एन डी ए वाई मंडे, सिंस मंडे भाई पीर से, मंडे से कब तक नहीं पता, इसलिए सिर्फ बिगनिंग टाइम है ना तो सिंस लग रहा, इसलिए देखिए एस आई एन सी सिंस सिंस मार्च एम ए आर सी एच मार्च, मार्च से भाई, अब देखिए मार्च से शुरू हुआ, ठीक है। इसी तरह एस आई एन सी सिंस मार्च अप्रैल मंथ कोई भी आ सकता है, ठीक है ना, सिंस सिंस 1980 कुछ भी होता है, सिंस इज बर्थडे बी आई आर टी एच बर्थडे, उसकी बर्थडे वाले दिन से, उसकी पैदाइश वाले दिन से। अब ये देखिए सब क्या है, ये स्टार्टिंग ऑफ टाइम है या स्टार्टिंग टाइम है। स्टार्टिंग टाइम जब भी आएगा उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सेंस इस्तेमाल करेंगे। अब सपोज जैसे हम ये कह सकते हैं एस आई एन सी सिंस दी एफ सिंस दी वर्ल्ड वॉर सिंस दी W O World War since the World War Second, दूसरी जंग अजीम से अब तक, ठीक है। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग है, तो जब बिगिनिंग दी जाएगी, स्टार्टिंग ऑफ टाइम दिया जाएगा, सो वी यूज, तो उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे सेंस। आई थिंक सो यू गॉट माई पॉइंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेंस यूज समझ आ गया होगा। Now we come to here the use of for. अब हम for का use सीखते हैं इधर, ठीक है? Okay, I am going to remove it. So we are going to use the use of for. For हमने बताया durations के लिए, ठीक है ना? अब देखिए durations कहाँ कहाँ, कौन कौन सी, कैसे कैसे duration. अब देखिए duration एक बिल्कुल time beginning और end दोनों दिया जाता है। Suppose मैं कहता हूँ F O R for 2 hours, H O U R S for 2 hours, 2 घंटे से, ठीक है ना। अब देखिए 2 घंटे इसमें स्टार्टिंग टाइम का है, नहीं पता, अब आप पीछे जाएंगे स्टार्टिंग टाइम के लिए, तो ये पूरा एक ड्यूरेशन बता दें कि 2 घंटे, यानी उस काम को 2 घंटे हो चुके हैं 2 घंटे से। तो अब ये क्या है, ये ड्यूरेशन है, ये स्टार्टिंग टाइम नहीं है। हाँ अगर ये होता सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, और से सुनिए, ये सिर्फ स्टार्टिंग टाइम बता रहा है, ठीक है, एंडिंग टाइम नहीं बता रहा। इसमें तो भाई एंडिंग टाइम भी हो गया, पूरा कैलकुलेटेड टाइम आ गया ना, पूरा टाइम आ गया, ठीक है। तो 2 घंटे से, तो जनाब ये आ जाएगा 4 to 2 o'clock। इसी तरह
फोर फाइव डेज, अब देखिए फोर फाइव डेज पांच दिन से, इसी तरह फोर अ वीक एक हफ्ते से, देख लीजिए वीक भी आ सकता है, इसी तरह आप कह सकते हैं फोर अ मंथ एम ओ एन टी एच फोर अ मंथ, फोर टू मंथ, फोर थ्री मंथ्स यू भी हो सकता है, फोर फोर टू मंथ्स एम ओ एन टी एच एस टू मंथ्स, दो महीने से, तीन महीने से, चार महीने से, क्या पूरा ड्यूरेशन है ना भाई, तो ड्यूरेशन जब हम इस्तेमाल करते हैं उस वक्त हम फोर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम कहते हैं फोर फोर वन फोर आई एन फोर आ वाई ई ए आर एक साल से, फोर टू ईयर्स दो साल से, फोर फाइव ईयर्स पांच साल से, तीन साल से, इसी तरह फोर आ सेंचुरी सी ई एन टी यू आर वाई फोर आ सेंचुरी एक सदी से, इसी तरह यू भी कर सकते हैं एफ ओ आर फोर सेंचुरी सी ई एन टी यू आर आई ए सेंचुरी सदियों से भाई, अब स्टार्टिंग ऑफ टाइम नहीं दिया बल्कि एक ड्यूरेशन दे दी, तो जब ड्यूरेशन आ रही है तो आप देख रहे हर जगह हम फोर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह देखिए ये प्रेपोजिशंस एज अ टाइम इस्तेमाल हो रहा है ओके। अब देखिए फोर सेंचुरीज आ गया, फोर ये आ गया, अब हम इसमें यू बी मेंशन कर फोर एजेस ए जी ई एजेस, फोर एजेस जमानों से भाई, एजेस माने जमाने को भी कहते हैं, दौर को कहते हैं, फोर एजेस जमानों से, तो इसी तरह आप देखें एफ ओ आर फोर आ एल ओ एन जी फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ किंग, तो भाई फॉर अ लॉन्ग टाइम एक ड्यूरेशन है, पूरा एक ड्यूरेशन है, बिगनिंग नहीं पता आपको कब से, पूरा एक ड्यूरेशन दिया जा रहा है, पीछे जाएंगे बिगनिंग के लिए तो आप देख लीजिए यहां यहां जहां जहां ड्यूरेशन आ रही है वहां वहां हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह देखिए एक सेंस में एक चीज और याद आ गई, यहां बता दूं एस आई एन सी सिंस एल ए एस टी लास्ट एन आई जी एच टी लास्ट सिंस लास्ट नाइट, सही है भाई, लास्ट की वजह से सिंस नहीं लगा भाई यहां पर, यहां नाइट की वजह से सिंस लगा है, लेकिन अगर ये कहा जाता फोर फोर दी एल ए एस टी लास्ट टू डेज फॉर द लास्ट टू डेज, तो भाई अब यहां फोर लगेगा लास्ट की वजह से सिंस नहीं लगता, अक्सर लोग समझते हैं लास्ट की वजह से सिंस नहीं है भाई, ये ड्यूरेशन की वजह से सिंस लग रहा है यहां पर, गेट इट, क्लियर हो रही है बात, तो सिंस और फोर, उम्मीद करता हूं कि ये यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये भाई दोनों टेंस में इस्तेमाल हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। ये आज हमने कंप्लीट किया सिंस और फोर का यूज एज अ प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, उम्मीद है लेक्चर समझ आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में कोई क्यूरीज हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इंशाल्लाह एक रिक्वेस्ट आई मेरे पास, दो रिक्वेस्ट आई है कि उन्होंने कहा है कि सर लिटरेचर भी शुरू कीजिए, तो ठीक है मैं एक अपना एक अलग से चैनल बनाऊंगा लिटरेचर का इंशाल्लाह ने चाहा, तो अभी आज ही एक मैसेज आया कि सर एमए इंग्लिश की क्लासेस शुरू कीजिए लिटरेचर पर, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूं, तो आप तमाम जितने भी स्टूडेंट्स जो एमए इंग्लिश करना चाहते हैं वो अपनी क्यूरीज भेजें, तो मैं देखूंगा परसेंटेज के लिहाज से, अगर ज्यादा परसेंटेज होगी तो इंशाल्लाह मैं जरूर भी जरूर इसको शुरू कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, शाद रहिए, आबाद।